नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र का पूर्वा फॉल पर्यटकों का मन मोहता है, साथ ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी काफी चर्चित है। यहाँ ज्यादातर पारिवारिक लोगों के साथ प्रेमी जोड़े पहुँचते हैं, जो एकांत में मिलना पसंद करते हैं। लेकिन अब इनके लिए यहाँ से भी बुरी खबर है। दरअसल यहाँ कुछ ऐसे भेड़िए भी पटक रहे हैं, जो प्रेमी जोड़ों के शिकार की तलाश में रहते हैं और मौका पाते ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो पूर्वा फॉल का बताया जा रहा है, जहां अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति ने झाड़ियों के पीछे बैठे प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और फिर क्या था, चीते की रफ्तार से सामने पहुंचा और खुद के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। वहीं जब प्रेमी जोड़े ने इसका विरोध किया तो जबरदस्ती प्रेमी को प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। गनीमत ये रही कि उक्त कर्मचारी की करतूत आसपास के मौजूद अन्य पर्यटकों ने देख ली तो पर्ची काटने वाले का ही वीडियो कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी वहां से भाग निकला। लेकिन जब एक जागरूक पर्यटक ने उक्त वीडियो बनाते हुए कर्मचारी को चेतावनी दी तो मौके पर वह पुनः पहुंचकर सबके सामने गाली गलौज करने लगा। बताया ये भी जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका रीवा से पूर्वा फॉल घूमने गए थे। दोनों ही किसी स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं, जो स्कूल यूनिफॉर्म में ही पूर्वा फॉल में पहुंचे थे, जिन्हें देखकर पर्ची काटने वाले ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। एक बार फिर से हम ऐसे स्थानों पर जाने वालों को सचेत करते हैं कि ऐसे भेड़ियों से सतर्क रहें। हालांकि पूरे मामले को लेकर सिमरिया विधानसभा से आप पार्टी से प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने विधायक को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि पूरे ही सिमरिया में अवैध वसूली से लेकर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, जो कि विधायक की जानकारी में भी है। हालांकि पूर्वा फॉल में किस बात का ठेका है और किस बात का पैसा लगता है ये तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन जो भी आरोपी है वो पर्ची काटता है और अवैध वसूली कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं घटना, उसके बाद सुनाएंगे प्रेमी जोड़े की आप बीती और आप नेता प्रमोद शर्मा को कि उनका क्या कहना है। भाग गए हैं। क्या क्या हुआ बेटा, बता बता, मुंह खोल, मुंह खोल के साफ साफ बोल। साफ साफ बोल, जबरदस्ती कर रहे थे। कहाँ पे, वहाँ ये तो क्या, ये क्या चीज है, जानते पता है ना, पूर्वा फॉल है। कहाँ है? पूर्वा फॉल है। कहाँ आए थे आप लोग? हम यही घूमने घूमने आए थे। आप लोग, आप कहाँ से आए हो? रीवा से। रीवा से। तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ वो इनको हम किस कर रहे थे इनको, तो ये वो एक लोग देख लिए पर्ची काटने वाले। कौन पर्ची काटने वाले? उधर अंदर है। अंदर काहे की पर्ची कटती है? नहीं पता क्या। चल दिखा मेरे को कौन है। वो दिखा वो आपसे नहीं। हाँ, दो मोबाइल दो उसको। क्या बोल रहे थे आपसे? क्या बोल रहे थे? जबरदस्ती कर रहे थे इनके साथ। क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? हमको मजबूर कर रहे थे। हाँ, इनको करो। हुआ इनके साथ, काहे आप परेशान करते हैं? आज तक हम कभी यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। तो पता ही नहीं था कि यहाँ किस करने अलाउ नहीं है। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ। फिर वो हमको मजबूर किए इनको करने से। चाहिए भत्ता? भत्ता भी नहीं होनी चाहिए। पत्थर में बैठ के क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे बोलो? किस बस कर रहे थे? इतना मार मारूंगा कि दिमाग सिखाई लग जाएगी। क्या कर रहे थे बोलो? किस बस कर रहे थे? इतना मार मारूंगा कि दिमाग सिखाई लग जाएगी। क्या कर रहे थे बोलो? किस बस कर रहे थे? इतना मार मारूंगा कि दिमाग सिखाई लग जाएगी। तो और क्या हुआ? होता है यहाँ कोई परिवार लेके घूमता है। क्या बोले तुम? ये बताओ बेटा, एक मिनट आप ये बताओ, तुमको इन्होंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये बोला कि अगर तेरे को करना है, यहाँ परिवार लेके लोग रहता है। आप चुप रहिए। चुप रहा बोल बेटा, तू अपना मुंह खोल, निकाल ले। चल बता, कोई परिवार लेके यहाँ आता है, 10 रुपया 20 रुपया देता है। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे हमें भी करना है और इनको मजबूर कर रहे थे जबरदस्त। हाँ मैं ठीक कर रहा था। हाँ मैं ठीक कर रहा था। हाँ मैं ठीक कर रहा था। मेरा परिवार क्या परिवार नहीं है क्या? हम लोग यहाँ बैचलर आए हुए हैं क्या? क्यों बता रहे हैं आप? और क्या बोले ये? और क्या बोले तुम लोग? तू कहाँ का है? हम रीवा के। नाम क्या है? दोनों साकेत हैं, क्या है पता नहीं हमको, लेकिन कम से कम इतना तो बोल दो आप लोग कि भैया थोड़ा सा मर्यादा में रहो। हेलो, तुम्हारा क्या नाम है? आप कहाँ पे थे? यहाँ नीचे में। अरे ये है बगल में। आप भी बोलते हैं ये बगल में थी? बगल में जहाँ काम चल रहा है लेबर। हाँ हाँ हाँ। उसके और आगे बैठे? नहीं नहीं, उसके जस्ट बगल में आगे बैठे थे। पत्थर में? हाँ, जस्ट बगल में। मान लीजिए एक सर में वहाँ पे है आप, एक लोग वहाँ पास बैठे थे। दिक्कत गुरु हमको देखिए सर, चाहिए। जिस प्रकार से पूर्वा फॉल से जो है वीडियो जो वायरल हो रहा है कि वहां पर जो है घूमने आने वाले जो
पर्यटक हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार, वहाँ के लोग जो अवैध वसूली करते हुए, लोग जो वहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से आज जो है किसी की बहन किसी की बेटी जो वहाँ पर आई थी उसके साथ में जिसको अभद्रता कर रहे थे, जिस प्रकार से उसको जो है ये बोला जा रहा था कि अश्लील हरकत करिए हम आपकी वीडियो बनाएंगे और जिस पर गाली गलौज हो रहा था, तो यहाँ पर जो है सिमरिया के विधानसभा के जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी, वो कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाने का, देवस्थल बनाने का, तो यहाँ पर अपने लोगों को लूट के लिए यहाँ पर इस प्रकार की उनके चारागाह बनाने की कोशिश की जा रही है, ये यहीं तक है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर सरेआम दिन दहाड़े जो जिस प्रकार घर का जो आप वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो हरकत है वो कहा जा सकता है इस प्रकार से कि अपने लोगों को जो है जगह जगह, चाहे सिमरिया के अंदर में अगर ये कहा जाए कि सिमरिया के अंदर में अब अवैध वसूली हो रही है तो उनके नॉलेज में है, यहाँ पर जिस प्रकार रोज घटनाएं होती हैं, इस प्रकार में अगर जिस प्रकार ये घटना घट रही थी जिस पर वीडियो में सामने आ रहा है कि उस लड़की से जानबूझ के कुछ गलत कृत्य करने के लिए जबरन दबाव बनाया जा रहा है और ये वीडियो देखने को मिल रहा है, इस प्रकार में लोग आत्महत्या करते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर जो है ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है अपने लोग जो है चारागाह बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके द्वारा लूटना और लोगों को परेशान करना, इस प्रकार घटना, इसके मैं घोर निंदा करता हूं और विधायक सिमरिया से कहता हूं कि आपको विधायक होने के नाते जो है अपने सारे ज्ञान चक्षु खोल के रखना चाहिए ताकि पब्लिक के हित की बात करें, आपके लोगों का किसी प्रकार से कहीं तक अगर कोई घटना घटती है उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है आपकी होगी, जिस प्रकार की घटना आज ये रुकी लोगों की जागरूकता कर वजह से और जो वीडियो वायरल हो रहा है ये देखकर मैं दुखी हूं कि मैं भी आपके साथ में चुनाव लड़कर 2018 में विधानसभा का प्रत्याशी रहा और ये देखकर मेरा दुख है, इस बात पे मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पुख्ता इंतजाम किए जाए यहां पर पूर्वा फॉल में, इस बात के लिए मैं गुहार लगाता हूं प्रमोद शर्मा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।